इन्हां दे सुमेल दे नाल आपां जिस मकसद दे नाल तुरे हां अपना टारगेट की है उसनू केंद्रित करना चाहिए। श्री गुरुदास महाराज जी दियां जीवन दौरान पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज गुरबाणी अगर आपां उत्तों सीध लैंदे हां उन्हां दे विचारां ते उन्हां दे सिखियावां ते उन्हां नू अपने मन विच वसाउंदे हां जां वसाया होया है आज दे दिन ते आज दे दिवस ते उन्हां दे संदेश दित्ता सीगा साध संगत मिल रही है माधो जैसे मध मखीरा। एक बहुत वड्डी उदाहरण अज दे समें दे ढुकदी है कि सानू एक मुठ हो के एक जिस तरह राणी मक्खी उहदे उद्देश अनुसार बाकी मक्खियां काम करदियां हैं सानू अज 108 संत कुलवंत राम जी भरमजारा उन्हां दी रहनुमाई हेठ उन्हां दे आदेशां अनुसार सानू उस गुरबाणी दा श्री गुरु ग्रंथ रविदास जी महाराज जी दी गुरबाणी दा अज प्रतख उहदे अनुसार चलना चाहीदा। तां ही आपां जिस तरह मधुमक्खियां इकट्ठा होकर नैक्टर पैदा कर दिया अमृत पैदा कर दिया आप भी उसका सबूत दईए और उन्होंने सिखियावां दे चल के चंगे सपुत्र बन के अपना जो मेन मकसद है असीं उहते केंद्रित होईए बजाए आपां अपने मसले लैके कोई किंत परंतु करिए। गुरु प्यारी साहिब संगत जी एक मैं छोटी जी उदाहरण दे के अपना विचारां नूं संकोचांगा। एक किसान बहुत गरीबी दे विच पिंड विच रहिंदा बहुत गरीबी है मन अक्या अपने परिवार समेत जंगल वल तुर पिया। दो पुत्तर ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਦੋ ਧੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਣ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਆ। ਨੋਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਣ ਵੱਟਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣ ਵੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਗਾਗਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਗਰਾ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ।
दसता किसान ने भी उत्थे एक जंगल है उहदे विच एक उत्थे रहना बसेरा बनाया तुसीं उत्थे पहुंचो। जदों जंगल दे विच जाके उस किसान ने दूसरे किसान ने जिहड़ा अपने वड्डे मुंडे कहा भी जा लकड़ा लिया वह कहिंदा मैं नहीं जांदा छोड़े नूं भेज दे। छोड़े नूं कहा तूं पाणी लिया वह कहिंदा मैं नहीं जांदा वड्डे नूं भेज दे। नौवां नूं कहा किसे ने काम नहीं कीता चार पंजा दिनां बाद उही प्रोसैस किसान बाण वटण लग पिया उहनूं आख्या भी कां कहिंदा भी की वटदा कहिंदा जी बाण कहिंदा की करना कहिंदा तैनूं पकड़ना कहिंदा तेरे तों नहीं पकड़ होना कहिंदा क्यों पहला किसान ने भी इदां ही आख्या सीगा तूं उहनूं गागरां दस्सदियां पर तैं हुण की करदा। गुरु प्यारे साध संगत जी नतीजा अपने तुसीं समझ गए हो। छोटे ने आख्या कि पहले किसान का वड्डे पुत्र नूं कम गया सी उहदा कम करन लग पिया सी छोटे नूं कम गया उहने उह कम कीता कहिंदा मैनूं डर पै गया कि जे किसे अपने ने पुत्रां नूं कहता वी आ तां फड़ लो उहने फड़ लैणा क्योंकि उह बच्चे जिहड़े आ आग्ञाकारी सी। ये हुण सबूत असीं देणा कि असीं किन्ने क आग्ञाकारी हैं। सो आओ गल्लां बहुत हन बहुत संजीदगी मसला कोई हासे मजाक वाला नहीं कोई अहम साडियां जिहड़ी आने वाली पीढ़ी है अज इतिहास लिखा जाना जिन्ना भी कोई योगदान जो भी जिस तरह भी तन मन धन दे नाल पाउणा साडे लई बहुत सत्कारयोग है। पोलीटिकल पार्टी समाजिक जथेबंदियां मुलाजम जथेबंदियां और सारे का असीं तह दिल तों धन्नवाद करते हैं जो साडे नाल कंधा मिला के चल रही है। तुहाडा एक एक पल एक एक कदम सिर मत्थे जिन्हां ने अपना कीमती समा कढ के तुसीं इत्थे आउंदे हो चाहे इत्थे दिल्ली दे वसनीक होण चाहे पंजाब दे हरियाणे दे जां होर स्टेटां दे श्रद्धालू हन उह आ रहे ने तह दिल तों धन्नवाद करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी सानू इन्हां संतां महापुरशां दे सहयोग क्योंकि आशीर्वाद महापुरश जिन्हां दा आशीर्वाद जिन्हां दे सिर ते हो जांदा उन्हां दे कुल्लां तर जांदियां पर जेकर संतां महापुरशां दा कोई एक वचन और राजे तों रंक बना दिंदा। सो आओ आपां इन्हां दा आशीर्वाद लैणा और साढ़े जो इस साढ़ी कौम ते एक बहुत ही घिनौनी हरकत सरकार वालों की गई है आपां दा मूँह तोड़वा जवाब देना आपां कठ दा सबूत देना अपना अपने भाईचारे दा सबूत देना तां जो आपां अपनी मंजिल वल अपने जो अरदासां बेनतियां महापुरशां दे अगे कीतियां उहनूं आपां प्राप्त करिए। सो इहदा कहिंदा होया रजा लैंदा जय गुरदेव धन गुरदेव जय भीम जय पा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।